फ्रेंड्स, अभी अभी ना इंटरनेट पे ये मैंगो लस्सी का वीडियो बहुत ही वायरल हुआ है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी इसे बना ही लेती हूँ। वैसे मेरा वेद जो है उसे मैं मैंगो लस्सी बहुत पसंद है, तो आज वो घर पे ही था तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी ये बना लेती हूँ और यही वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो फिर चलिए बनाते हैं मैंगो लस्सी। हे ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए मिलकर बनाते हैं मैंगो लस्सी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मैंगो लिया है। अभी मेरे पास नॉर्मल मैंगो नहीं था, लेकिन मेरे पास फ्रोज़न मैंगो था तो मैंने उसी का यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो मैंने एक मिक्सचर का जार ले लिया है और उसके अंदर मैंने एक कटोरी या एक कप भर के मैंने यहाँ पे मैंगो का पल्प ले लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल अभी जो मैंगो मिल रहा है ताज़ा ताज़ा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी लस्सी बनकर तैयार होगी। और फिर यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से हमने ले लिया है कर्ड। कर्ड आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इसका कोई मेज़रमेंट नहीं होता है। देखिए मैंने यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से दो ग्लास बन सके उतनी लस्सी के लिए मैंने दही ले लिया है। करीब करीब एक ग्लास के करीब मैंने यहाँ पे दही लिया है। और फिर यहाँ पे मैं ले लूँगी शुगर। शुगर यहाँ पे मैंने साबुत ही लिया है, आप चाहो तो यहाँ पे शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे कार्डमम्स का पाउडर भी ऐड कर सकती हो। मैंने वो स्किप किया हुआ है, वो मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे वेद को वो पसंद नहीं है, तो मैंने वो ऐड नहीं किया है। और फिर उसे मैंने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, तो ये हमारी लस्सी बनकर तैयार हो गई है पीने के लिए, ठंडी ठंडी लस्सी। वैसे आप चाहो तो इसके अंदर बर्फ़ डाल सकते हो। मैंने ठंडा दही यूज़ किया था और फ्रोज़न मैंगो था, इसलिए मुझे यहाँ पर बर्फ़ की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने बर्फ़ नहीं डाला। लेकिन अगर आपका दही ठंडा नहीं है या फिर मैंगो ठंडा नहीं है, तो आप यहाँ पे ठंडे ठंडे आइसक्रीम की जगह आप ठंडा ठंडा बर्फ़ भी यूज़ कर सकते हो, या चाहो तो यहाँ पे आप आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हो। देखिए हमने यहाँ पे ऐसे ही ये बनाया है, तो मैंने दो ग्लास ले लिया है जिसके अंदर मैं अभी ये फिल कर दूँगी। दोनों ग्लास के अंदर मैं ये मैंगो लस्सी ऐड कर दूँगी। आप इसे आइसक्रीम के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है और वो आइसक्रीम के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए अब मैंने इसके अंदर डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया है, जिसके अंदर मैंने पिस्ताचू डाले हैं। आप चाहो तो इसके अंदर बादाम वगैरह का भी कतरन डाल सकते हो, और मैं एक ही ग्लास में डाल रही हूँ क्योंकि मेरे वेद को ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं एक ग्लास के अंदर ही मैंगो के थोड़े क्रंच डाल रही हूँ और थोड़े से पिस्ता के कतरन डाली है। दूसरे में मैंने मैंगो का पल्प डाला है क्योंकि वेद को वो पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही ये कतरन वाला ग्लास रेडी किया है। तो आप इस प्रकार से ये ग्लास रेडी कर सकती हो और ये जो लस्सी बनकर तैयार हुई है बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, एक बार अगर आप इस प्रकार से बनाओगे ना, तो गारंटी है मेरी आप बार बार बनाओगे, इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है और मार्केट से भी 100 गुना अच्छा बेहतर तैयार हुआ है बनकर। तो आप क्यों ना इस प्रकार से घर में ही बनाए और एन्जॉय करें। वैसे फ्रेंड्स, आप लोग मेरा ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, ताकि मुझे थैंक्स कहने में आसानी रहे और मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से है ये मुझे समझ में आए। तो देखिए इसका लुक देखकर ही आपको मुंह में पानी आ रहा होगा, गारंटी है मेरी। आप एक बार बनाओगे तो बार